वेलकम बैक टू द वीडियो। और अभी व्हाट्सएप पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो वैसे तो मेरे आईफोन पे तो मिला ही नहीं है, बट मैं अपने एंड्रॉयड में आपको दिखाता हूँ व्हाट्सएप पे ले जाके। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आया, अगर आप दिखाओ तो मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है हमें AI का। आप देखोगे ना, ये गोल सा राउंड सा जो एक सर्कल है, या फिर आप इसे बोल सकते हैं रिंग जैसा कुछ बना हुआ है, ये व्हाट्सएप पे क्या ऑप्शन आया है, लोग कंफ्यूज हैं। अगर इस पे टैप करते हैं तो ऑब्वियसली क्या जो है वो दिखेगा, दैट इज मेटा AI। अब मेटा AI क्या है, कैसे यूज कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी जब ये इनिशियली अनाउंस हुआ था ना ये वाला ऑप्शन, तब मैंने वीडियो बना दी थी इस पे। एंड ये मैंने इंस्टाग्राम पे भी बनाई है, फेसबुक पे भी बनाई है, और उसी के साथ साथ अब व्हाट्सएप पे भी मेटा AI आ गया है। एंड यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरा काम है आपको टेक से रिलेटेड सारी चीज़ें बहुत इजी से तरीके से समझाने का। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया। सीधा मुद्दे की बात कर लेते हैं कि ये जो मेटा AI है ये क्या है, व्हाट्सएप पे जो आया है, एंड बहुत बहुत प्यारी चीज़ है। मैं आपको सच बताऊँ बहुत ही अच्छी सी चीज़ है, एंड हमारे तो बहुत ज़्यादा काम किया। आपको पता है AI हर जगह है, यहाँ पे AI आपने बहुत सुन लिया होगा। AI, yes, now it is on WhatsApp also. ये हमें एक असिस्टेंट मिल गया है हमारा खुद का, हम इससे कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे ले जाके दिखा देता हूँ, करके दिखाऊंगा सारी चीजें बहुत ही प्यार से। तो सीधा आपको लेके चलता हूँ अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे ही। यहाँ से आगे मोबाइल फोन की स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे आपको जब भी आप व्हाट्सएप खोलोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना व्हाट्सएप दोबारा से आपको चला के दिखा देता हूँ। यहाँ से हम लोग अगर अपना व्हाट्सएप टर्न ऑन करते हैं, ओके, तो आप देखोगे ये रहा, कुछ इस तरह का ऑप्शन दिख रहा है, सबसे ऊपर ही दिख रहा है आस्क मेटा AI और सर्च। यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या है, ये एक असिस्टेंट है हमारा, ओके, चैट बॉट है, लैम्डा लैंग्वेज पे बेस्ड है। ये तो कोई टेक्निकल नॉलेज होगी, बाकी ये आपने देखा होगा हर जगह AI है। अब AI इन्होंने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह घुसा दिया है। आप डायरेक्ट इससे पूछ सकते हो, ओके, कुछ भी पूछ सकते हो। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं गूगल पे, फॉर एग्जांपल गूगल पे मैं सर्च करता हूँ दैट पठानकोट में क्या हुआ था, ऐसा कुछ सर्च कर लेता हूँ, है ना। एंड यहाँ पे हमें बहुत सारे आंसर्स दे देगा, ये बहुत सारे लिंक दे देगा, इनमें से हमें ढूंढनी पड़ेगी हमारी जो पर्टिकुलर चीज़ हम ढूंढना चाहते हो। कोई भी इवेंट घटा हो, हमें ये जो है ये हमारा असिस्टेंट यानी कि मेटा AI हमें सारी की सारी चीज़ें समराइज्ड ही करके दे देगा ना। आप इससे बहुत सारे काम करा सकते हो, फ्लाइट देख सकते हो, रेल ट्रेन देख सकते हो, एंड कुछ भी इवेंट पूरी दुनिया में कहीं भी हुआ हो, यानी कि ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जितने भी सर्च इंजन है सबसे समराइज करके आपको दे देगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने वाला हूँ, जैसे हमने वहाँ पर देखा था दैट पठानकोट में क्या हुआ था। अब हम मेटा AI से ही पूछ लेते हैं दैट पठान ओके कोट में क्या हुआ था, ठीक है, हम इसी से ही पूछ लेते हैं, यहाँ से हम कर लेते हैं सर्च, ओके। अब ये सारे इवेंट्स को ना समराइज करके दे देगा हमें यहाँ पे, ओके, लेट इट गो, यहाँ पे जाने दो इसको। जैसे ये जाता है मैं आपको दिखाता हूँ, ओके, यहाँ पे इसने देखो समराइज कर रहा है, इट वॉज क्वाइट स्लो बट येस। पठानकोट में क्या होता है, पठानकोट अटैक्स, ये देखो एक इवेंट ये रहा, दूसरा इवेंट ये रहा, तीसरा थ्री सम ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल्स, एंड उसी के साथ साथ पठानकोट की जितनी भी मतलब सारे इवेंट है वो घटे थे यहाँ पे। ये नहीं, अब मैं बच्चों के लिए बता देता हूँ, जो भी बच्चे व्हाट्सएप यूज़ करते हैं उनके लिए, कोई भी ऐसे लिखवा लो, ओके, हम लोग यहाँ पे कहेंगे राइट, यहाँ पे ओके राइट एन एसे ऑन मोबाइल, ठीक है, कुछ भी आप जो लिखवाना चाहते हो वो लिखवा सकते हो। देखो मोबाइल पे ये पूरा का पूरा ऐसे लिख के दे देगा आपको, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा गूगल पे जाके। द मोबाइल फोन हैज़ बीन, ये आप पढ़ लेना जो भी पढ़ना है, वे ऑफ कम्युनिकेट अक्रॉस, मतलब पूरा का पूरा लिख के दे दिया है। एंड उसी के साथ साथ अब आप अपनी पढ़ाई इस पे कर सकते हो, मतलब कुछ भी पूछ सकते हो जो इससे पूछना चाहते हो, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ये आपको यहाँ पे दे देगा। मैं आप इससे देखो फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज मैं इससे रैप लिखवा लेता हूँ, ओके, राइट आ रैप, जो भी जिस पे लिखवाना चाहते हो, रैप सॉन्ग होता है ना, रैप ऑन मोबाइल इन हिंदी, या अपने स्कूल पे लिखवाना चाहते हो तो आप स्कूल पे भी रैप लिखवा सकते हो। देखो मैं मोबाइल फोन पे रैप लिखवा रहा हूँ, हिंदी में लिख के देखा बकायदा, मेरे हाथ में है ये मोबाइल फोन, दुनिया की सारी जानकारी, मतलब पढ़ लो, पूरा का पूरा रैप लिख के दे दिया, ट्रांसलेशन लिख के दे दिया, सारी चीज़ें यहाँ पे इसने हमें लिख के दे दी है। उसी के साथ साथ आप इससे और भी बहुत सारी चीज़ें करा सकते हो, जोक सुन लो, ओके,
टेल मी अ जोक, ये आपको जोक सुना देगा। मतलब क्या नहीं करा सकते इससे, सारी चीज़ें करा सकते हो। अब मैं पूछूं कि ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू, ओके दिल्ली टू, हाँ हम देखते हैं, ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू पुणे टुडे, इट टुडे, एंड ये इतना इंटेलिजेंट भी है, ये सारी चीज़ें जैसे टुडे बोल दिया मैंने, टुडे तो आज के आज हो सकती है ना, तो अगर गूगल पे हम सर्च करेंगे हमें डेट डालनी पड़ेगी, लेकिन हमें कोई डेट डालने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ट्रेन्स के निकाल के दे देगा। ओके एंड और भी बहुत सारी चीज़ें आप इससे करा सकते हो, जितनी भी ट्रेन होंगी आज की एंड कहाँ कहाँ से हम बुक करा सकते हैं, बाकायदा लिंक के साथ आपको ये दे देगा। ओके जैसे हम इससे पूछे लैपटॉप, लैपटॉप अंडर कितना 10K, देखो कोई भी लैपटॉप होगा जहाँ पे भी होगा अवेलेबल, लिंक निकाल के दे देगा, और उसी के साथ साथ लैपटॉप अंडर 10K जो भी है सारी चीज़ें यहाँ पे बता देगा। ओके यहाँ से हम खरीद सकते हैं, ये लैपटॉप्स के ऑप्शन है हमारे पास, लिस्ट बनवा लो। ओके राइट डाइट चार्ट फॉर जिम गोवर, है ना, ये देखो गोर के और लिख दिया मैंने गोर की जगह, ओके ई ओ ई आर, ये देखो पूरी की पूरी, प्री वर्कआउट में क्या ले सकते हो, लंच में क्या ले सकते हो, इवनिंग स्नैक्स में क्या ले सकते हो, डिनर में क्या ले सकते हो, बिफोर बेड टाइम क्या ले सकते हो, प्रोटीन डाइट एंड, मतलब क्या नहीं पूछ सकते यार, इतनी अच्छी चीज़ है ये। एंड जो भी कराना है कराओ, हिंदी में गाने लिखवाने हिंदी में लिखवाओ, इंग्लिश में लिखवाने इंग्लिश में लिखवाओ, चीज़ें पूछने चीज़ें पूछो, अब गूगल पे जाके आपको फालतू की हसल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ है। तो आपको मैंने बता दी, यही सेम चीज़ हमें इंस्टाग्राम पे भी मिल रही है, फेसबुक पे मिल रही है, क्योंकि दीज थ्री एप्लीकेशन आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ओके जो है मेटा की एप्लीकेशन है, मेटा की एप्लीकेशन पे कोई सेम चीज़ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये है मेटा AI, इस बहुत यूजफुल है, आपको क्या लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। आई होप अब तो आपको पता लग ही गया होगा क्या है ये, राइट पता लग गया ना। अब कोई भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, बाकी इससे आप क्या लिखवाना चाहते हो वो भी मुझे बता देना। बाकी वीडियो पसंद आई है लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन होता है और ज्यादा अच्छा कॉन्टेंट क्रिएट करने के लिए। थैंक यू सो मच।